तो गाइस फाइनली हमारे पास ओप्पो का A77 स्मार्टफोन आ गया है। तो आज हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही करने वाले इसकी कैमरा टेस्टिंग। दोस्तों इसके अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, इसकी प्राइस क्या है, आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में इंटक बने रहिए और चैनल पर कभी पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइज ये है ओप्पो A77 का बॉक्स, पीछे के साइड आपको इसके हाईलाइट फीचर देखने को मिलते हैं। तो गाइज कर लेते हैं बॉक्स को फटाफट से ओपन और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो गाइज बॉक्स को ओपन करते इसके अंदर और एक बॉक्स देखने को मिलता है। इसको ओपन करते तो इसके अंदर ये आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद अंदर ये यूज़र गाइड देखने को मिलता है। इसके बाद ये दोस्तों आपको ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिलता है। तो दोस्तों निकालते हैं स्मार्टफोन को बाहर। तो गाइज इसको रख देते हैं साइड में। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर ये आपको एडेप्टर देखने को मिलता है। ये जो है दोस्तों ये आपको 33 वॉट का फास्ट एडेप्टर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर ये आपको टाइप सी केबल देखने को मिलती है। तो गाइज इन सब को रख देते हैं साइड में और देखते हैं स्मार्टफोन को। तो स्मार्टफोन को रैपर से बाहर निकालते हैं तो लुक एट दिस स्मार्टफोन। तो गाइज दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। ऊपर के साइड आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको मेट फिनिशिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं पोर्ट्स और बटन की तरफ। तो नीचे के साइड आपको स्पीकर देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, माइक्रोफोन और 3.5 mm जैक। ए साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की और सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलता है। ऊपर के साइड आपको प्लेन डिज़ाइन देखने को मिलती है। ए साइड में आपको पावर ऑन ऑफ की और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो गाइज इसमें डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.56 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसका जो डिस्प्ले है ये आपको काफी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलता है, पर इसके अंदर आपको रिफ्रेश रेट थोड़ा अच्छा देना चाहिए था और इसके अंदर आपको फुल HD+ डिस्प्ले देना चाहिए था। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसमें कैमरे की कभी बात करते तो इसके रियर साइड में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस और दोस्तों फ्रंट में फोटोज और वीडियोज लेने के लिए 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी हुई है। तो इसके कैमरे से मैंने कुछ फोटोज और वीडियोज निकाले, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। तो गाइज आपको ये जो है ये नॉर्मल फोटोज़ देखने को मिलती है। तो गाइज इसके अंदर भी आप देख सकते हो फोटोज़ इसकी अच्छी आती है, पर इसके अंदर आपको डिटेलिंग इतनी अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर ये पोर्ट्रेट फ़ोटो देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अंदर भी आपको जो पोर्ट्रेट है इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों ये 2x जूम और 4x जूम देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको सिर्फ 4x तक का ही जूम देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों ये आपको नॉर्मल सेल्फी देखने को मिलती है। इसका जो कैमरा है आपको एकदम नॉर्मल क्वालिटी का देखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो है नाइट मोड ऑन ऑफ का एक फ़ोटो है। तो गाइज आपने इसके फोटोज और वीडियोज देखे होंगे, इसका जो एकदम नॉर्मल क्वालिटी के देखने को मिलती है। इनके अंदर आपको इसके प्राइस के हिसाब से जो डिटेलिंग है वो भी इतनी देखने को नहीं मिलती है। और ये कैमरे के अंदर आप जो वीडियो है सिर्फ नॉर्मल वीडियो उतार सकते हो, इसके अंदर आपको स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको माइक्रो लेंस देखने को नहीं मिलती है और इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल की भी लेंस देखने को नहीं मिलती। तो ये स्मार्टफोन आप कैमरे के लिए नहीं ले सकते हो, कैमरा एकदम इसमें आपको नॉर्मल क्वालिटी का देखने को मिलता है। इसमें परफॉर्मेंस की कभी बात करते तो ये स्मार्टफोन के अंदर आपको मीडियाटेक हेलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ये आपको एकदम नॉर्मल क्वालिटी का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये प्राइस रेंज के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 680 का प्रोसेसर कम से कम तो देना चाहिए था। इसमें बैटरी की भी बात करते तो ये स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। ये जो चीज है ये आपको इसके अंदर काफी अच्छी देखने को मिलती है, जो कि आपका स्मार्टफोन फटाफट चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर आपको स्टेरियो स्पीकर देखने को मिलती है, साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो है आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इसमें वेरिएंट की भी बात करते हैं तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, 4GB की रैम और 64GB का स्टोरेज, और इसके अंदर आप 4GB रैम एक्सटेंडेड करवा सकते हो। और इसके प्राइस की भी बात करते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो आपको 15,500 देखने को मिलता है।
मिलती है। तो गाइज इसके अंदर आपको सिर्फ दो कलर देखने को मिलते हैं, एक है ब्लू और एक है ऑरेंज, जो आपने स्मार्टफोन देखा होगा। ये जो है आपको ऑल ओवर एकदम नॉर्मल क्वालिटी का स्मार्टफोन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको सिर्फ जो डिजाइन है इसकी काफी अच्छी देखने को मिलती है, बाकी इसके अंदर सिर्फ चार्जिंग और थोड़ा अच्छा है, कैमरा भी एकदम नॉर्मल क्वालिटी का है, डिस्प्ले भी एकदम नॉर्मल और प्रोसेसर भी एकदम नॉर्मल क्वालिटी का दिया हुआ है। तो मुझे ये जो स्मार्टफोन है एकदम नॉर्मल लगा। दोस्त गाइज आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियो को भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहते। तो गाइज मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।